देखिए मुंबई टाइम्स की खास खबर। कोरोना वायरस से दुनिया भर में खौफ के बीच हंता वायरस ने भी लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। चीन में हंता वायरस की वजह से 23 मार्च को एक शख्स की मौत की खबर है। ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक हंता वायरस से संक्रमित शख्स जिस बस में सवार था उसमें सवार 32 लोगों की जांच की गई है। बता दें कि इस खबर के मिलते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। लोग कोरोना से जारी जंग के बीच हंता को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं और डर जाहिर कर रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात तो ये है कि हंता वायरस फैलता कैसे है। CDC की रिपोर्ट के मुताबिक हंता वायरस चूहों से फैलता है। कोई इंसान चूहे के मलमूत्र या लार को छूने के बाद अपने चेहरे पर हाथ लगाता है तो हंता से संक्रमित होने की आशंका बढ़ जाती है। जरूरी बात तो यह है कि हंता वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता। हंता के संक्रमण का पता लगने में 1 से 8 हफ्तों का वक्त लग सकता है। देखिए मुंबई टाइम्स की इस विशेष रिपोर्ट को।